हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूखे हुए गोभी की सब्जी। हम इसे पानी में डालकर 4 से 5 घंटा के लिए छोड़ देंगे। पहले ये देखिए, 4 से 5 घंटा के बाद मेरा गोभी एकदम ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा। और इसे अच्छे से धो लिया है हमने। अब इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी हम देख लेते हैं। चना हमने लिया है 1 कटोरी, ये देसी चना है, इसे भी हमने रात भर पानी में भिगो के रख लिया था। तड़के के लिए लिया है हमने तेज़पत्ता, ये 2 तेज़पत्ता है जिसे हमने तोड़ लिया है। 3 लाल मिर्च लिया है, इसे भी हमने तोड़ लिया है। थोड़ा सा काली मिर्च लिया है, आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है, 4-5 कलियाँ लिया है लहसुन की। ये 2 आलू को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये 5 से 6 प्याज है जिसे हमने स्लाइसेस में काट लिया है। अब हम मसाले में देख लेते हैं। 1 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़े चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधे छोटे चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़े चम्मच छोले मसाला चाहिए हमें, और हमें बनाने के लिए सरसों का तेल चाहिए, ये हमने आधी कटोरी लिया है। सारा का मेज़रमेंट मैंने 1 टीस्पून से किया है, ये 1 टीस्पून है। अब हम बनाना स्टार्ट कर अब इसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। यकीन मानिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम गैस पर एक कढ़ाई बैठाएंगे, इसे गरम होने देते हैं। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, इसे भी गरम होने देते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब तड़के की इंग्रेडिएंट को डाल देते हैं इसमें। गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। चला लें इसे। अब इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट हो गया है, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये 1 लहसुन को हमने पेस्ट बना लिया है और थोड़ा सा अदरक है इसी में, इसे डाल लेते हैं। चला लेते हैं इसे। अब मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक और फ्राई करें। देखिए, 1 से 2 मिनट तक हो गया है, पूरे 3 मिनट हो गया है हमारा। अब इसमें हम आलू डालेंगे कटा हुआ। गोभी और चना भी डालेंगे। इसे 5 से 10 मिनट तक ढक के पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट हो गया है, अब हम चला लेते हैं इसे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसे चला लेते हैं। अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक और पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो गया है, अब हम चला लेते हैं। ये देखिए, हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है सारा चीज़। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। हम गरम मसाला छोड़ के सारे मसाले डाल देंगे।
ये 120 ml का कप है, इससे अब हम एक कप पानी डालेंगे और इसे चला लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमने अच्छे से चला लिया है। अब इसे ढक के 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। 4 से 5 मिनट हो गया है, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसे अब अच्छे से एकदम चला लेंगे हम। अब इसे बिना ढके हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। दो से तीन मिनट तक हाई फ्लेम पे, ये एक मिनट हो गया है। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, इसे अब अच्छे से चला लेते हैं। और इसे अभी हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गया है, हमारा अच्छे से एकदम फ्राई हो गया है सारा चीज। अगर आपको फ्राई खाना पसंद है तो आप ऐसे ही रखें, अगर ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे हम। इसमें 1 कप पानी डालते हैं 120 ml के कप से। इसे चला लेते हैं अच्छे से। ये देखिए हमने अच्छे से चला लिया है, रख देते हैं। एक मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ये देखिए हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए सारा चीज़ एकदम सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से सब पक गया है, एकदम अच्छे से देखिए फ्राई भी हो गया है। अगर हमारा ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।